بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الحاكمين आयत नंबर पाँच में इसी मतलब की तरफ इशारा किया गया سافلين फिर हमने उसे पस्तरीन हालत की तरफ पलटा दिया दो तरह से इसकी मुराद ली गई है एक तो ये कि इंसान अपनी आखिरी उम्र में सारी जवानी गुजारने के बाद ताकत और उरूज और हर चीज़ का कमाल देखने के बाद अपने बदन में बिल आखिर आखिरी उम्र में बुढ़ापे की उम्र में फिर से एक कमज़ोर और हर काम में दूसरों का मोहताज बन कर रह जाता है उसकी अकल भी सही तरह से काम करना छोड़ देती है उसके बदन की तमाम कुतें उसके अज़ा कमज़ोर होकर रह जाते हैं ये माना भी मुराद लिया गया कि ये भी अपनी जगह पर सही है और दूसरा माना जो हम इससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे थे कि अगर इंसान अल्लाह की दी हुई आ, उस हिदायत की नेमत से इस्तेफादा ना करे और अपनी ख्वाहिश नफसानी के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो असफलाफिल में पहुंच जाता है हमने फिर हमने उसे तुम मदद ना हो फिर हमने उसे पलटा दिया असफल सबसे नीचे साफिलीन नीचे वालों में से असफल साफिलीन यानी साफिलीन कहते हैं जो पस्ती में हो असफल सबसे ज्यादा पस्ती में असफल साफिलीन पस्तों से भी ज्यादा पस्त तरीन ये इंसान के सामने दो रास्ते हैं या तो अल्लाह की हिदायत को कबूल करे और बेहतरीन मकामात पर बलंद तरीन मकाम तक पहुँच जाए और या अल्लाह की उस हिदायत को जो उसने इंसान की दुनिया आख़रत की कामयाबी के लिए भेजी है इंतज़ाम किया है उसे रद्द कर दे और नतीजे में अंजाम क्या हो असफला साफिलन बदतरीन और पस्तरीन पस्तियों में गिर जाए <coughs> उसके बाद खुदा बंद आलम फरमाता है आयत नंबर छः में इन पस्तियों में कौन नहीं गिरेगा कौन इन पस्तियों से बच जाएगा और किसके लिए अल्लाह ने बेहतरीन अजर रखा है फरमायादी न आमनु। सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए व अमलो सालिहत और अमल साल अनजाम दिएुम अजर उन तो उनके लिए है एक ऐसा अजर जो कभी खत्म नहीं होगा अब यानी दुनिया की जिन लज्जतों और आसाइशों के लिए तुम अल्लाह की हिदायत को ठुकरा रहे हो जितनी भी दुनिया की चीज़ों को अपने पास जमा कर लो हर आराम हर आसाइश हर लज्ज़त तुम अपने घर में और अपने दस्तरखान पर जमा कर लो आर्जी है हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेगी और अगर इसको इसमें शक हो तो अपने आस पास माशरे में दुनिया में निगाह दौड़ा कर देख लो कौन है अमीर तरीन इंसानों में से कौन है कि जिसके पास नेमतें हमेशा के लिए रही हों सब चले गए और सब चले जाएंगे अल्लाह तुम्हें एक ऐसे अजर का वादा कर रहा है कि जो कभी खत्म नहीं होगा जिसको मिल गया बस मिल गया फिर उससे छिनेगा नहीं ना उससे छिनेगा और ना ही कभी वो नेमतें खत्म होंगी सिवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो उनके लिए बेइंतहा इंतहा अजर है गैर ममनू दो माना है इसके एक माना वही जो हमने अर्ज किया कि कभी खत्म ना होने वाला और एक माना है ऐसा अजर कि जिसको तोला ना जा सके यानी बे इंतहा यानी बेहिसाब, दोनों माना इस लफ्स के अरबी जुबान अरबी लगत के मुताबिक सही है उसके बाद आयत नंबर सात में गोया इंसान से ये खिताब किया जा रहा है कि ए इंसान तेरे रब ने तुझे इतनी नमतें दी तुझे बेहतरीन अंदाज में ख़ल्क किया और फिर तेरी हिदायत का बेहतरीन इंतज़ाम किया और तू ये सब कुछ देखता भी है इससे इस्ता भी करता है इस कायनात के निजाम को अपने रिज के निज़ाम को तू दुनिया में देख रहा है अम्बिया की तहरीकों के बारे में तू सुनता है तू पढ़ता है इस सारे निज़ाम को देखने के बाद भी तुझे क्या चीज़ उकसाती है क्या चीज़ तुझे मजबूर करती है कि तू जजा को झुठलाए यानी तू कैसे सोच लेता है कि इतना बड़ा निज़ाम बनाने वाले ने कोई जजा सज़ा का निज़ाम नहीं रखा तू देखता है बहुत सारे लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं दूसरों के हकूक खा लेते हैं और बाज़ दफ़ा इस दुनिया में कोई उनको पकड़ नहीं सकता गिरफ्त में नहीं ले सकता और बाज़ लोग तो देखता है कि इंतहाई मुसीबत में मुश्किल में ज़िंदगी गुजारते हैं ालमों के जुल्म का शिकार होकर बहुत ही एक तलख मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं तो तू क्या सोचता है कि इन िमों से कभी बदला नहीं लिया जाएगा इंसाफ नहीं होगा मज़लूमों को कभी इंसाफ नहीं दिया जाएगा इस न, इस निजाम के नज़म को इस निजाम की वसअत को इस निजाम कायनात की खिलकत के अंदाज को जब तू देखता है तो तू ये नहीं सोचता कि ये निजाम बेहुदा और बातिल खलक नहीं किया गया आयत नंबर सात फमायू कदिबू का बदुब्दीन तो इसके बाद यानी ये जो सारी बातें हमने तुझसे कर दी हैं ये कस्में फिर इंसान की खिलकत बेहतरीन अंदाज में फिर उसका पस्तियों की तरफ गिर जाना इन बातों पे गौर कर इन बातों के बाद बस इसके बाद रोजे जजा के बारे में कौन सी चीज़ तुझे झुटलाने पर आमादा करती है कौन सी दलील है तेरे पास कि तू कहता है क़्यामत नहीं आएगी कहता है कि हिसाब किताब नहीं आएगा या कहता है कि क्यामत नहीं आएगी या तेरा अमल बता रहा है कि तुझे यकीन नहीं है कि तेरा हिसाब किताब होना है बस इसके बाद रोज़ जजा के बारे में कौन सी चीज तुझे झुटलाने पर आमादा करती है आठवीं और आखिरी आयत में अल्लाह तबारक मताल फरमाता है अलहला हाकिमीन क्या नहीं है अल्लाह हुक्म करने वालों में से बेहतरीन और मजबूत तरीन हुक्म करने वाला यानी फैसला करने वाला यानी अल्लाह न सिर्फ यह के फैसला करेगा बल्कि वो तो बेहतरीन काजी है वो तो बेहतरीन मुनसिफ है वो तो बेहतरीन आदिल है उसके निजाम में ही गौर कर ले कि उसने जो कुछ खल किया है उसके रज का भी बंदोबस्त किया है और कैसा निजाम बनाया है तकसीम रज का हवाओं का चलना देख बारिशों का बरसना देख ज़मीन के अंदर से सब्ज़े का दरख्तों का खेतियों का उगना देख इस निज़ाम को देख कितना बेहतरीन निज़ाम बनाने वाला है अपने बदन के निज़ाम को देख कैसे तेरे लिए बेहतरीन गज़ाएँ मैसर कर दी हैं उसके बाद तेरे बदन के अंदर जाने के बाद किस तरह निज़ाम हज़ और दीगर निज़ाम तेरे बदन के अंदर बना दिए वो बेहतरीन निजाम बनाने वाला आया जालिमों और मजलूमों के लिए बेहतरीन फैसला नहीं करेगा उसने कोई ऐसा दिन मुक़रर नहीं किया कोई ऐसा वक्त मुक़रर नहीं किया।, किया है तो इसके बाद रोजे जजा के बारे में कौन सी चीज तुझे झुटलाने पर आमादा करती है और सुन ले क्या अल्लाह हाकिमों में से सबसे बड़ा हाकिम या सबसे बेहतरीन हुक्म करने वाला फैसला करने वाला नहीं है अहकमिल हाकिमीन यानी हाकिमीन में से अहकम इससे मुराद सबसे ज़्यादा मजबूत सबसे ज़्यादा बड़ा सबसे ज़्यादा ताकतवर सबसे ज़्यादा बेहतरीन एन आदल इंसाफ फैसला करने वाला हुक्म करने वाला ये तमाम मानी अहकम से लिए जा सकते हैं इस लफ्ज़ के अंदर शामिल है बस सूर तीन का ख़ुलासा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो हिदायत का बंदोबस्त किया है उसको ना ठुकराओ और कभी ना सोचना कि ये सारा निज़ाम बे मकसद खलक़ हुआ है और दुनिया में जुल्म करने वालों को भी अंजाम वोही मर के वो ख़त्म हो जाएंगे और मज़लूम भी जुलम उठा उठा कर इसी तरह दुनिया से चले जाएंगे मों को पकड़ने वाला और मज़लूमों को इंसाफ़ दिलाने वाला कोई निज़ाम नहीं है कोई दिन नहीं है हरग़ ये न सोचना अल्लाह तबारक वाली न सिर्फ़ ये कि फ़ैसला करेगा बल्कि वो सबसे ज़्यादा ताक़तवर सबसे बड़ा सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है